नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन स्टडी सर्किल में। देखिए, बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन आ पाया हूँ। आपको काफी टाइम हो गया, 1 सप्ताह लगभग हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज वहीं से पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सक्सेसिव इंक्रीज, यानी लगातार बढ़ते हुए क्रम में परसेंटेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का अगला पार्ट, ज्यादा समय न खराब करते हुए। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ जाती है, 3 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या 5,32,400 हो जाती है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए क्या होगी। तो इस टाइप के सक्सेसिव इंक्रीज टाइप के क्वेश्चन हैं कि प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है 10% के हिसाब से, घट रही है, बढ़ रही है, इस टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है, तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है, 10% के हिसाब से। अब 10% होता कितना है फ्रैक्शन में, ये बटे 10 होगा, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, प्रथम वर्ष, ठीक है, 10% के हिसाब से बढ़ा रही है। तो पहले 10 रही हो, 10 थी प्रथम वर्ष, ठीक है, कितनी बढ़ गई, 10, 10 का 10% कितना, 1 आएगा तो कितना हो गई, 11 हो गई, ठीक है। ये दूसरे साल फिर 10 से 11 हो गई, ऐसे तीसरे साल भी 10 से 11 हो गई, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा 1,000 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1,331 हो जाएगा, ठीक है। 11 ग्रह, उसमें 11 मल्टीप्लाई कराए 1,331। अब उनको दे रखा है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 5,32,400 हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, 1,331 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 5,32,400। ये 3 वर्षों बाद है, ये वर्तमान जनसंख्या है, ये भूतपूर्व जनसंख्या है, 3 वर्षों बाद जनसंख्या, ठीक है। तो 1,331 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 5,32,000 और 400। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ डिवाइड कर देंगे 1,331। अब देखिए, 1,331 का 4 बार भाग चला जाएगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा, 1,331 एकन, और ये तुम्हारा 4 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। हमसे पूछा गया वर्तमान जनसंख्या, हमसे पूछा गया गांव की वर्तमान जनसंख्या, यानी 1,000 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, तो इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,000, 1 यूनिट की 400, तो यहां वैल्यू रख दो 400 की, कितनी हो जाएगी, ये 4 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी निकला है, 4 लाख निकला है। ये 3 साल की देर की, 3 साल बाद, और वर्तमान संख्या है, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू दे रखी, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारी वर्तमान संख्या कितनी निकला, 4 लाख निकला। इस टाइप से सक्सेसिव इंक्रीज के क्वेश्चन इस टाइप से लगेंगे। देखिए, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, अगर फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये उतार लिया होगा आपने, मिटा देते हैं। इस फार्मूले से भी निकल सकता है, P(1+R)/100 होल पावर n, ठीक है। यहाँ पे n बराबर जो भी तुम्हारा पावर हो, कितने साल, 3 साल हो जाएगा, r तुम्हारी जो भी 10% हिसाब से बढ़ रहा है, वर्तमान संख्या तो याद रखी, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इससे लग जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए उस हिसाब से लगाना बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत, एक नहीं, एक फ्रिज की कीमत प्रतिवर्ष 16 से 2/3% के हिसाब से कमी होती है, यदि उसकी वर्तमान कीमत 5,000 रुपये हो, तो 3 साल पहले उसकी कीमत क्या थी, ठीक है। इसमें वर्तमान कीमत दे रखी और 3 साल पहले की पूछी गई, इसमें क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर कीमत हर साल घट रही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर उपयोग करने वाले आएंगे तो उसकी कीमत हर साल घटेगी, चाहे कोई भी चीज लाओ, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे मोटरसाइकिल हो गया, कोई भी लाओ, तो उसकी कीमत हर साल घटती है ना। तो उस हिसाब से
16 से 2/3% के हिसाब से उसकी कीमत हर साल घट रही है। तो उसकी वर्तमान कीमत दे रखी है 5,000 रुपये और 3 साल पहले की पूछी, ठीक है। तो 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है, हमने बताया था टेबल याद करना आपको, टेबल, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर और यहाँ थर्ड ईयर, ठीक है। पहले साल उसकी 6 थी, 6 का 16 से 2/3 कितना? 1 हुआ, 1 कम हो गई, घट रही है ना, तो अब कितनी बची? 5। फिर ऐसे दूसरे साल 6 थी, फिर कम हो गई, फिर 5 हो गई, ऐसे तीसरा साल 6 थी, 5 हो गई, ठीक है। ये 36 संगा 216 हो जाएगा, 55 25, 125 हो जाएगा, ठीक है। हमको दे रखा है वर्तमान कीमत 5,000 रुपये दे रही है, यानी वर्तमान कीमत तुम्हारी ये है और 3 साल पहले की है तुम्हारी। तो वर्तमान कीमत 125 यूनिट बराबर कितना? 5,000 दे रखा है। 125 यूनिट बराबर कितना? 5,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, काट लो, यहाँ 125 कर देंगे, 25 से काट दो, 25 पंचे और 25 दूना 50, 5 फिर काट दो, 5 को 20, 40 हो गया, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलाई? 40। हमको चाहिए 3 साल पहले की वैल्यू, तो 16 का मान चाहिए हमको, ठीक है। दो सौ सोलह गुणे 40 कर देंगे, मल्टीप्लाई करा लो, 4×6 24, 4 आंसर लगा दो, 4×4 और 2×6 7×9 8, कितना हो जाएगा? 8,640 रुपये, ठीक है। तो ये तुम्हारी 3 साल पहले की कीमत आ गई और वर्तमान कीमत तुमको दे रखा था 5,000 रुपये। तो इस हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लगाना, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगा सॉल्व करने में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो मिटा देते हैं क्वेश्चन को, देखिए इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या प्रथम साल 12 से 1/2% के हिसाब से बढ़ जाती है और बीमारी के कारण दूसरे साल 16 से 2/3% के हिसाब से घट जाती है, ठीक है। लेकिन फिर तीसरे साल 25% के हिसाब से बढ़ जाती है। यदि पहले जनसंख्या 1,92,000 थी तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या पूछी क्या होगी, ठीक है। यानी इसमें पहले साल बढ़ रही है, फिर दूसरे साल घट रही है, फिर तीसरे साल बढ़ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी टाइप से लगाएंगे। यहाँ प्रथम साल डाल लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। पहले साल कितना? 12 से 1/2 कितना हो जाएगा? 12 से 1/2, इसको सही करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25/2 हो जाएगा, 5 8 आ जाएगी, ठीक है। यानी पहले साल बढ़ रही है तो 8 थी, 8 का 12 से 1/2% 1 आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 9। दूसरे साल 16 से 2/3, 16 से 2/3 बोलो 1/6 होती, दूसरे साल घट रही है तो पहले 6 थी, 1 घट जाएगा उसमें से, कितना बचेगा? 5। तीसरे साल क्या हो रहा है? 25% बढ़ जाती है, 25% बराबर कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 थी, 1 बढ़ गई, यानी कितनी होगी? 5 हो गई। ये हो जाएगी कितनी? 8 × 4 × 8 × 6 × 4, ये तुम्हारी आ जाएगी 9 × 25, ठीक है, 55। अब हमको दे रखा है कि यदि पहले जनसंख्या, यानी इसकी वैल्यू दे रखी, पहले जनसंख्या इतनी दे रखी 1,92,000, तो इसकी वैल्यू पूछी कितनी होगी, ठीक है। यानी 8 × 6 × 4 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 1,92,000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,92,000 × 8×6×4। अब 8 से काट दो, 8 × 16 बचेगा कितना? 3, 32 हुआ, 8×32 ये कितना हो गया? 24,000 हो गया। अब 6×24, 6×24 24 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर? 1,000 आ जाएगा, ठीक। यानी इतने की वैल्यू हमारी 1,000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकला। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली?
1000 हमको चाहिए, 25 सिनेमा, 225, 225 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 225 गुणे 1000 कर देंगे, ये कितनी आ जाएगी, 225,000 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हमारी वैल्यू थी 1,92,000, अब 3 साल बाद कितनी होगी, 2,25,000 गांव की जनसंख्या होगी। तो समझ में आएगा, इस टाइप क्वेश्चन इसी टाइप से लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। तो इस टाइप से क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे, 2 सेकंड के लिए वीडियो रोक देते हैं ताकि हम क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, तो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं तथा दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर बस घुमा के सवाल दिया गया, और यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया हमसे कि कितना प्रतिशत तुलना की गई 2000 से 2003 में, कितना प्रतिशत बढ़ी है या घटी है, उसका प्रतिशत बताना है। तो हाँ, दस परसेंट कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है, तो 10% हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहां पे पहले 2000 लिखो, 2001, 2002 और 2003। ठीक है, 2000 में तो हमारी जितनी थी उतनी थी, 2001 में क्या हुआ, 10% बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी थी, 10 थी, कितनी हो गई, 11 हो गई, दूसरे वर्ष घट जाएगी हमारी। ठीक है, 10% घट जाएगी, तो कितनी, 10 थी, 9 रह जाएगी, फिर तीसरे वर्ष फिर बढ़ जाएगी, 10 थी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11×121, और उसमें 9 का गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 121 में 9×9=9, 9×9=18, 9×9 ठीक है, 1089 हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 में हमारी कितनी थी, 1000 थी, और 2003 में 1089 होगी। अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया कितनी घटी है बड़ी, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 89 है, तो 89 अंतर कहाँ से है, हमको प्रतिशत निकालना है, तो 1000 से है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 0 2 0 खत्म हो जाएंगे, 1 0 यहाँ रहे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 8.9%, ये तुम्हारी वृद्धि हो गई। ठीक है, क्योंकि 1000 थी, 1089 होगी, तो यहाँ पे कितनी, 8.9% की वृद्धि होगी, 2000 से 2003 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जो भी विद्यालय की छात्रों की संख्या कितनी वृद्धि हुई, 8.9% हुई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के थी, बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस टाइप का, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से घटता है, यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी तथा उसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपए है, तो ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, मतलब 3 वर्ष पहले की वैल्यू पूछेगी, वर्तमान मूल्य हमको दे रखा है 5,832, 10% के हिसाब से घटती है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10, तो यहाँ फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर, यहाँ थर्ड ईयर। ठीक है, पहले साल 10 थी, 9 बची, फिर 10 थी, फिर 9 बची, फिर 10 थी, फिर 9 बची, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 9×81=9, 9×9=72, 729। ठीक है, तो हमको दे रखा है वर्तमान मूल्य, दे रखा है 729 की वैल्यू दे रखी है, 5,832, हमसे पूछी कितने की, 1000 की वैल्यू पूछी गई है, तो 729 5,832। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ 729 डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा,
नौ से काट दो, नौ से कट जाना चाहिए। नौठे बहत्तर, नौ कम नौ, नौ छक्के चौवन, यहाँ बचेगा चार, तैतालीस होगा, नौ चार छत्तीस, और फिर नौठे बहत्तर, ठीक है। फिर नौ से फिर आठ, आठ बार चला जाएगा, इक्यासी से आठ बार, इक्यासी के नहीं इक्यासी, इक्यासी आठ बार चला जाएगा, ठीक है। तो हमको 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, गुणे आठ करा देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 8000 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष पहले वो 8000 रुपये में खरीदी की थी, जिसका 10% हिसाब से घट घट के 3 साल बाद वो तुम्हारी 5832 रुपये में आ गई। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर, कि कभी बढ़ता है कभी घटता है जनसंख्या, या कभी वैल्यू किसी भी वस्तु की घटती है बढ़ती है, विद्यालय किसी छात्रों की जनसंख्या मतलब जो संख्या घटती बढ़ती, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो लगातार आप तक पहुंच सकें और उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू, बाय।